मुझे लगता है दो तीन स्तरों पे इसको देखा जाए। सबसे पहली बात यह है कि मनोविज्ञान और सामाजिक विज्ञान में मास हिस्टेरिया बहुत पहले डिस्क्राइब किया जा चुका है। सोशल मीडिया के वक्त में मास हिस्टेरिया स्कैटर्ड हो जाता है, कोई एक सीमित जगह पे न रह के अलग अलग जगहों पे देखा जाता है। दूसरी बात है जो पवन जी ने कही कि इंसान इंसान और समूह जो है वो विश्वास करने लगते हैं जो भी व्हाट्सएप पे देखा गया वो सच है। प्रिंट मीडिया के साथ यही हुआ था जब प्रिंट सबसे पहले आया था। बल्कि मैं कहना चाहूंगा हर एक टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट है, हम लोग जानते हैं। तो सोशल मीडिया का, जैसे पवन जी अक्सर कहते हैं, सोशल मीडिया का मैच्योर यूज समाज को करने में थोड़ा समय लगेगा। और तीसरा मुझे लगता है इसमें किस्सा एक और जुड़ जाता है, ये जो बच्चे को चोरी करने वाली प्रथाएं चल पड़ी हैं मॉब लिंचिंग की, समाज में जाहिर है जागरूकता फैलती जा रही है कि बच्चों के हकों का हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो ऐसी जब एक नाजुक अफवाह फैलती है तो मॉब लिंचिंग और ज्यादा शार्प हो जाता है, मॉब साइकोलॉजी फैल जाती है। तो मैं कहना चाहूंगा आपसे और पवन जी से कि 2001 में हमने हमारे इंस्टीट्यूट से एक वैज्ञानिक स्टडी की थी जो बंदर मानव की चल पड़ी थी अफवाह, और दिल्ली पुलिस के कहने पर हमने मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सा के क्षेत्र से जो स्टडी की थी उसमें यह पाया गया कि 90% जो विटनेस या विक्टिम्स थे जिन्होंने कहा कि हमने बंदर मानव को दूर से देखा या हमारी भिड़ंत हुई, उनका मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल या साइकेटिक एक्सप्लेनेशन पॉसिबल था। तो ये एक स्टडी रही है कम से कम। हमें सबको याद होगा उससे पहले 90 के दशक में ये बात चली थी गणेश जी ने दूध पिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो गणेश जी ने दूध पिया से लेके बंदर मानव तक, ये चुटिया काटने वाली बात और आज का ये जो हमारा विषय है, इन सबको वैज्ञानिक रूप से देखा जाए मास हिस्टेरिया के रूप में मिश्रित असर हो गया सोशल मीडिया का। ओके हमारे साथ पवन दुग्गल जी बैठे हैं, साइबर के बड़े जाने माने एक्सपर्ट हैं। पवन जी, ये किस प्रकार की घटनाएं, हम जानते हैं कि गति और पहुंच सोशल मीडिया की जो है वो हम सब जानते हैं, जंगल में आग की तरह ये फैलती हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप इन घटनाओं को? मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय समाज में एक आक्रोश नजर आता है, लोगों को एक फ्रस्ट्रेशन है और वो फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक बहुत अच्छा जरिया है सोशल मीडिया। ऑलरेडी भारतवर्ष में आज एक विशिष्ट प्रकार की क्रांति चल रही है जिसे हम उल्टी की क्रांति बोलते हैं, यानी कि हर भारतवासी वॉमिटिंग कर रहा है, उल्टी कर रहा है अपनी जानकारी को लेकर। ये वही भारतवासी है जो हर चीज जो व्हाट्सएप पर देखता है उसको विश्वास करता है, सच मानता है और उसी को आधार बनाते हुए अपने निर्णय लेता है। मुझे लगता है कहीं इस माहौल में आवश्यकता है लोगों को थोड़ा बहुत रुककर पुनः से सेल्फ रिस्ट्रेशन करने की, ये देखने के लिए कि हम हर चीज जो देख रहे हैं इंटरनेट पर वो सही नहीं है और कहीं ना कहीं हमको गुमराह करने के बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं।